Hello, Bachcha Party! Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept of the channel, where you can feel the subject and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. So, Bachcha Log, aaj se we are going to start the second chapter, Electrostatic Potential and Capacitance. Bahut hi jordar chapter hai. Jin bachcho ne chapter one ko bahut acche se detail mein kiya, sare video lectures ko acche se dekha, to usko is chapter ke andar bhi interest aane hi wala hai. It's my guarantee. बच्चा कोई भी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं ना फिजिक्स में, तो उसकी एक थीम होती है, उसकी एक आत्मा होती है. अगर आप उस आत्मा को अच्छे से महसूस कर लो ना, तो पूरे चैप्टर के अंदर आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि यार अच्छा इसके बाद ये पॉइंट था, ये आने वाला है क्या. तो चलो मैं आपको पहले सबसे पहले चैप्टर का थीम समझाता हूँ, फिर हम आते हैं. स्टार्टिंग में दो तीन डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, हर चीज़ हम देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, विश्वास रखिए. तो इस चैप्टर की आत्मा क्या है? अगर हम चैप्टर वन की बात करें तो चैप्टर वन के अंदर था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने ये देखा कि एक चार्ज अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, वी इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारे इक्वेशंस देखे, गाउस लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, फिर उसके एप्लीकेशन, दुनिया भर के फॉर्मूले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बनाए. लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. हम उस फोर्स तक सीमित थे, हमने उसके बाद के बारे में नहीं सोचा कि क्या फोर्स लगने से क्या. अब हम सोचने वाले हैं. दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, वी अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाए तो वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स का. अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं तो कोई भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो क्या होता है, आपका जवाब आएगा सर क्या मजाक कर रहे हो, फोर्स लगने से बॉडी मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट होता है. अब मैं आपसे पूछूं कि फोर्स लग गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या आया? वर्क. दैट वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल. वही पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और वही चीज़ आगे धीरे 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 आपको बैटरी, EMF इन सब में कन्वर्ट होती दिखेगी. तो ये चैप्टर का थीम है, बेसिक है, बेसिक दिमाग के अंदर स्टोर करिए. मैंने क्या बोला, एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये पढ़ चुके हो आप. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, यही वर्क इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल है, जो कि इस चैप्टर का थीम है. ठीक है बच्चा लोग, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमें समझना है पोटेंशियल का डिफरेंस, जो आप क्लास टेंथ में पढ़े थे थोड़ा सा वही है, बट बहुत सारी चीजें इसके अंदर अब ऐड होती जाएंगी. सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस. अरे एक मिनट, क्या ये 11th क्लास में भी आप पढ़े हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैसा ही कुछ है. वहां पर मास का इंपैक्ट था, मास का रोल था, यहां पर चार्ज का रोल है. बच्चा आपसे मैं सिंपल सवाल पूछूं कि ये एक सोर्स चार्ज है, अभी छोड़ दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस पे, अभी मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उस पर आप आ जाओ. अगर ये एक सोर्स चार्ज है तो ये अपने आसपास क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड या फिर इनवर्ड? आपका आंसर है सर पढ़ चुके हैं, क्या मजाक कर रहे हो, आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, बाहर की तरफ. अब ऐसे बाहर की तरफ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये कोई टेस्ट चार्ज आ जाए तो आप कुछ भी ना करो तो क्या ये चार्ज मार खाएगा? बिल्कुल खाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा. वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो आपका जवाब है सर वो रिपल्सिव होगा. क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल कर देगा. या आप ऐसा समझिए कि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगा, क्यू नॉट इन टू ई, और उस फोर्स का डायरेक्शन होगा ई के डायरेक्शन में. और ई का डायरेक्शन कहाँ है बच्चा लोग? तो आउटवर्ड डायरेक्शन में. मतलब कि ये जो क्यू नॉट है वो अपने आप जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, कहीं कितने भी डिस्टेंस जा सकता है, आप मान सकते हैं इन्फिनिटी तक चला जाएगा, मान सकते हैं भाई, फोर्स लगा उसके ऊपर जाएगा ही. ये कॉन्सेप्ट नहीं है पोटेंशियल का, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल. हमने कहा चार्ज को रख दो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके ऊपर फोर्स लगा देगी. बट अगर आप चाहते हो कि ये चार्ज, ध्यान से समझिए इस बात को, मजेदार बात है, अगर ये चार्ज इस डायरेक्शन में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जा करके मेरे इच्छा अनुसार इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करे तो ये डायरेक्टली नहीं चलेगा. ये कोई आत्मा और जो कोई चुड़ैल नहीं है कि तुम ऐसे करके बैठ जाओगे, बोलोगे ये चार्ज चलो इस डायरेक्शन में चलो, नहीं जाएगा. क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैं उसको मूव कराना चाहता हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल का. बेसिक सोचिए, पोटेंशियल
काइंड ऑफ बैटरी जिसको आप बोलते हो 10 वोल्टेज की बैटरी है, 12 वोल्टेज की बैटरी है, उसमें चार्ज को चलाने के लिए पोटेंशियल जो वर्ड आया वो कुछ काम करता है, बैटरी कुछ काम करती है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया। आप सिंपल सोचो कि अगर मैं इस चार्ज को जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था उसको मैं वहाँ उस डायरेक्शन में नहीं भेज के अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड आना चाहता हूँ, देन वी हैव टू डू सम वर्क। अभी मैं बोल रहा हूँ वी हैव टू डू सम वर्क, धीरे 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 चैप्टर 3 तक आपको समझ में आएगा कि ये काम बैटरी करती है, बट अभी क्या हम बोलेंगे, हैव टू डू सम वर्क। तो जो काम आप करोगे इस पॉइंट से इस चार्ज को चला करके इस पॉइंट में लाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आपका पोटेंशियल का डिफरेंस है बच्चा लोग। हर एक पॉइंट पे चार्ज के आसपास में पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, और दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। लेकिन आपको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, किसको चलाने में, उस चार्ज को चलाने में। वो चार्ज कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज आप इसके ऊपर सोच रहे हो, और ये कौन है, इसने जो क्रिएट किया, किसी को भी मान सकते हैं आप, इसको सोर्स मान सकते हो, इसको टेस्ट मान सकते हो। पर जब आप इसको टेस्ट मानोगे तो आपको चलाना ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में नहीं। गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल एक और चीज समझिए, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो छोड़ दिया अपने आप नीचे आ गया, बट मैं इसको बोलूंगा हे पेन देवता तुम ऊपर आ जाओ, तो ये कहेगा मजाक कर रहे हो भाई साहब, थप्पड़ मारना है मैंने, मैं थोड़ी ऊपर आ सकता हूँ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, जितना काम करूंगा उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही कुछ यहाँ पे है। छोड़ दोगे तो अपने आप आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस चार्ज को पकड़ के रखो, पकड़ा है हमने, छोड़ दिया, ढह चला गया। लेकिन अगर मैं उस चार्ज को वापस यहाँ लाना चाहता हूँ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी हैव टू डू सम वर्क बच्चा लोग। वही वर्क जो आपने किया इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ से यहाँ लाने में, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है, वैसे ही पोटेंशियल बन जाएगा। समझना इस बात को, सोर्स चार्ज इसने क्रिएट किया, इसको हम छोड़ देंगे तो उधर चला जाएगा, इधर से इधर लाए तो जो काम कर रहे हो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी डेफिनेशन क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आपने काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो जो आपने काम किया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस है बच्चा लोग। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी और ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस टू पॉइंट। हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, ए से बी ला रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वी बी माइनस में वी ए। इसको आप डेल्टा वी या फिर वी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, तो साफ साफ दिख रहा है वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यही जूल पर कूलम, वास्तविकता में इस जूल पर कूलम की जगह पर वोल्ट लिखा जाता है। जैसे आप रेजिस्टेंस क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, रेजिस्टेंस को हम साइंटिस्ट के नाम ओहम से लिखते हैं, OHM सिंबल ओमेगा बनाते हैं, बट इन रियलिटी उसका मतलब होता था कि R इक्वल्स टू वी अपॉन वोल्ट अपॉन में एम्पियर। तो उस वोल्ट अपॉन एम्पियर को आप क्या लिखते थे, ओम लिखते थे ना, वैसा ही है कि जूल पर कूलम को आप वोल्ट लिखोगे। अच्छा, इस जूल को भी हम और भी कुछ चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर पर कूलम, और यही आपका 1 वोल्ट होता है। ये बात हुई बच्चा लोग इसकी यूनिट की। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसे भी आपको अच्छे से याद करना है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, बड़ा सिंपल सा रीज़न है इसका, W आपका स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी ही होती है वोल्ट। ठीक है, अब एक बात समझिए, प्रैक्टिकल मतलब समझिए एक वोल्ट का। एक वोल्ट का प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दिए गए हैं ए और बी, और ये मेरा चार्ज है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम, तो इस 1 कूलम को मुझे ए से बी में लाने के लिए अगर 1 जूल जितना काम करना पड़ा, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट का है। फिर से रिपीट करता हूँ, If work done required to move the charge of 1 coulomb against the electrostatic force is 1 joule, then potential difference is said to be 1 volt. हाँ,
यानी एक कूलम चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करने के लिए एक जूल जितना काम करते हो तो हम उसी को बोलते हैं एक वोल्ट। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा। और इसमें छोटी सी चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है, वापस वही कहानी, सोर्स चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगा, रिपेल कर देगा, ये इधर चला जाएगा, उई मम्मा मैं इधर जा रहा हूँ। लेकिन हम इसको पकड़ के यहाँ लाना चाहते हैं, आ जा भाई आ जा आ जा आ जा इसके क्षेत्र में आ जा, क्योंकि ये ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है ऐसे, और हम इसको लाना चाहते हैं उई इधर आ, तो तेरे को काम करना पड़ेगा बच्चा लोग। तो जो काम हमने किया टू ब्रिंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द गिवन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट सवाल ये आता है कि जो चार्ज क्यों आपको दिखाई दे रहा है, टेस्ट चार्ज, उसको ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ सोर्स चार्ज के अगेंस्ट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, बट कहाँ से ला रहे हैं भाई, कहीं से तो वो आ रहा होगा। तो वो कहाँ से लाते हैं, तो उसके लिए जोड़ा जाता है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से, क्योंकि ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो आया कहाँ से, तो इन्फिनिटी से आया, ठीक है। इन्फिनिटी से अगर हमें किसी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाना है, तो जो आप वर्क डन करोगे, डिवाइड बाय चार्ज करोगे, वही आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दैट्स इट, वही चीज़ है, बट उसमें दो पॉइंट का डिफरेंस था, इसमें सिंगल पॉइंट की अब बात करो, इसमें इन्फिनिटी वर्ड नहीं आया, उसमें इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। बट जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि क्यू नॉट ए पे कहाँ से आया, तो इन्फिनिटी से, बी पे कहाँ से आया, इन्फिनिटी से, और इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले पोटेंशियल, तो सिंपल सा जवाब दीजिए, भाई साहब इन्फिनिटी में कोई चार्ज है, इन्फिनिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाना चाहते हो, वो भी उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में, जो काम आपने किया भाई साहब वही तुम्हारा पोटेंशियल है, और दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। सो ये पूरा लॉजिक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि V इज बेसिकली W बाई क्यू, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। उसमें क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज है जिसको हम मूव कराना चाहते हैं, सोर्स चार्ज करके गलती मत करिएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन लेक्चर, मस्त से एंजॉय कर लिया आपने, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख लेना, नोट कर लेना। बहुत जल्द हम आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, अब हम बात करेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माइंड, टेक केयर, बाय बाय। That was good.